नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। होली, होली का मौका उमंग, उल्लास और हुड़दंग का नज़ारा होता है। अरे ज़रा ठहरिए, कानून की पैनी नज़र भी उस समय आप पर होती है। बुरा ना मानो होली है का जोश अगर आपके सिर चढ़कर बोलेगा तो फिर भाई वर्दी वाले आपका स्वागत करेंगे ही, और अगर शाम को घर में गुजिया खाने का मन है तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखिए। होली प्रेम से भरे रंगों का त्यौहार है, लेकिन इन रंगों में भरे त्यौहार भी कुछ शरारती लोग लड़कियों और महिलाओं को उनकी मर्जी के बिना रंग लगा देते हैं। इसके बाद यही मुद्दा विवाद में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग नहीं जानते कि किसी को उसकी मर्जी के बिना रंग लगाना एक तरह का कानूनी अपराध है। यदि कोई पुरुष महिला की मर्जी के बिना उसे रंग लगाता है, उस पर गुलाल फेंकता है और साथ ही उसके साथ फोटो या वीडियो बनाता है, तो महिला की शिकायत पर पुलिस तुरंत शिकायत दर्ज करेगी और आरोपी पुरुष को जेल तक जाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस मामले में कैसे होती है कानूनी कार्रवाई। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 354 का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जाता है जहां स्त्री की मर्यादा, मान सम्मान और क्षति पहुंचाने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाए, उनको गलत नीयत से छुआ जाए या उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए या गलत मंशा के साथ महिलाओं से किया गया गलत बर्ताव इसी धारा के दायरे में आते हैं। इसमें कितनी सजा मिल सकती है? IPC की धारा 354 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो आरोपी पर आरोप साबित होने पर उस व्यक्ति को कम से कम 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। ओस्को एक्ट, होली वाले दिन कुछ लोग बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ या जबरदस्ती करते हैं। इस तरह के मामले पॉक्सो एक्ट में आते हैं। पॉक्सो ये इंग्लिश का शब्द है जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इस एक्ट में नाबालिगों के साथ होने वाले उत्पीड़नों या छेड़छाड़ के मामले आते हैं। ये एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसके तहत ही दोषियों को सजा दी जाती है। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत जब किसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती है तो आरोपी को बिना किसी देरी के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की जमानत का भी प्रावधान नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।